किया मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने पहले वाहन के तौर पर किया सेल्टोस को लॉन्च किया। महज एक एसयूवी के दम पर यह कंपनी एसयूवी सेगमेंट में लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ताजा आंकड़ों के सामने आने के बाद अक्टूबर महीने में बिक्री के मामले में किया मोटर्स देश की पांचवी सबसे बड़ी कार कंपनी बनकर उभरी है। कंपनी को यह सफलता अपनी पहली कार के लॉन्च के महज 3 महीने के अंदर ही मिल गई है। किया सेल्टोस अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। बाजार में आने वाली सुस्ती के बावजूद इस कार ने भारी भरकम सेल दर्ज की है। अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने इस एसयूवी के 12,850 यूनिट्स की बिक्री की है। इसके चलते अब कंपनी का बाजार में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में शेयर 4.52% तक हो गया है। वहीं मारुति सुजुकी 49% शेयर के साथ पहले पायदान पर है। अगस्त महीने में कंपनी ने किया सेल्टोस के कुल 6,236 यूनिट्स की बिक्री की थी। वहीं सितंबर महीने में 7,754 यूनिट्स और अक्टूबर में बिक्री का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 12,850 यूनिट्स तक पहुंच गया है। अगर सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ों पर गौर करें तो कंपनी की बिक्री में 65.72% की बढ़त देखने को मिली है। अक्टूबर में दिवाली के चलते कंपनी की बिक्री में शानदार इजाफा हुआ है। किया सेल्टोस को कंपनी ने 3 अलग-अलग इंजन के साथ पेश किया है, जिसमें 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पायर्ड इंजन भी शामिल है। यह इंजन 115 HP की पावर और 144 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा दूसरे इंजन विकल्प के तौर पर 1.4 लीटर की क्षमता का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, जो कि 140 HP की पावर और 242 NM का टॉर्क जनरेट करता है। बात करें अगर डीजल इंजन की, तो कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता वाले इंजन का प्रयोग किया है, जो कि 115 HP की पावर और 250 NM का टॉर्क जनरेट करता है। ये सभी इंजन BS6 मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं। मौजूदा समय में इस एसयूवी की कीमत 9,69,000 रुपए से लेकर 16,99,000 रुपए तक है। इस एसयूवी ने बिक्री के मामले में सेगमेंट की लीडर रह चुकी हुंडई क्रिएटा को भी पछाड़ दिया है। लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में इस एसयूवी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला भी किया है।